السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بِدَأَ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن العظيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال تعالى في موضع آخر

नौजवान नस्ल बच्चे हूँ या बच्चियाँ वो इस वक्त किन फितनों का सामना कर रहे हैं उनमें से बास फितने इनका मैं आपके सामने तस्करा करूँगा कि वो फितने क्या हैं और उन फितनों से बचाव का क्या रास्ता और क्या दरिया है उनवान अगर उस पर गौर करें तो दो चीज़ें हैं एक तो नौजवान बच्चे हों या बच्चियाँ इसका मतलब ये हुआ कि नौजवानों को फोकस किया जा रहा है दूसरी चीज़ है फितना इसलिए कुछ बातें इशारतन इन पर कर लेते हैं हर कोई जानता है इंसानी ज़िंदगी का तीन मरहला है बचपन जवानी और बुढ़ापा पंद्रह से लेके चालीस तक पैंतालीस तक ये बलुगत या जवानी की असल उम्र है जिसके अंदर बंदे के अंदर बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है फिर उसके बाद आदमी की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है जहाँ तक कि वो बुढ़ापे की तरफ पहुँच जाता है किताबुल्लाह में और सुन्नत रसूलुल्लाह में अगर लफ्ज़ जवान देखें या जवानी देखें दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए खूब ग़ार वालों का वाकया जो कि सुर कहफ में है हर जुमा को हम पढ़ते हैं बाग वालों का किस्सा दुलकरन का किस्सा ये सब सूरह कहफ में है हर जुमा को पढ़ते हैं आप गौर करें शुरू ही में गार वालों का किस्सा है बादशाह की मुखालफत किया और जाके इन लोगों ने एक गार में पनाह ले लिया कितने थे सही और राज के मुताबिक शुरू के अकवाल जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने उनके बारे में रजम बिल गैफ फरमाया लेकिन आखिरी कौल न सब वतू वलब हम सात थे आठवा इनका कुत्ता था इस पर सुकूत इख्तियार किया और अल्लाह ने यह भी कहा कि माया कलीन उनकी तादाद कितनी थी कम लोग जानते हैं अब्दुलबिन अब्बास रज़ी ने कहा उन कम लोगों में से जो जानते हैं कि गार में कितने लोग थे मैं भी हूँ यानी सही कॉल के मुताबिक ग़ार में जो नौजवान गए टोटल सात थे और आठवां उनका कुत्ता था अल्लाह ने उनके बारे में क्या फरमाया फता ये वाहिद का लफ्ज़ है इसकी जमा आती है फ़ितिया कहा इनफित वो चंद नौजवान थे आमन उबेबीन जो अपने रब पर ईमान ले आए तो इसका मतलब यह हुआ कि सात नौजवान मिलके एक बादशाह की मुखालफत कर रहे हैं इससे जवानी की अहमियत क्या है उसकी तरफ इशारा मिल्ला हजरत इब्राहिम सलाम की कौम जब मेले में जाने लगी तो दयत इब्राहिम से कहा जाओगे कान नहीं कहा क्यों फकाल इन्नी सकीम कहा मैं बीमार हूं बीमारियां भी दो टाइप की हैं आपका जिस्म बीमार हो आप दवा लें ठीक हो जाएंगे लेकिन जब दिल बीमार हो जाए या रूह बीमार हो जाए तो आदमी जल्दी ठीक नहीं होता कहा क्यों नहीं जाओगे कहा फकाल इन्नी सकीम कहा मैं बीमार हूं जाहिर में ठीक ठाक हूं लेकिन ये जो देख रहा हूं बुतों वगैरह की इबादत इसको देख देख कर ये शिरक और ये कुफ्र दिली तौर पर मैं बीमार हूँ और मेरा दिल जो है ना मुर्दा हो गया तुम लोगों की हरकतों को देख कर नहीं गए कौम जब चली गई मेले में तो जाके बुतों को तोड़ दिया फूम जोजादन अल्ला कबीरहू सबको रेदा रेदा किया और एक को छोड़ के कुल्हाड़ी से की गर्दन में लटका दिया जब लोग आए तो कहा ये हमारे माबूदों के साथ किसने किया तो जानते हो उस वक्त क्या कहा उन लोगों ने आपस में अलुसामेना फतय यस्कुरहुम यقال له इब्राहिम उन लोगों ने कहा हमने एक नौजवान को सुना वहां भी लफ्ज फता सूरह कहफ़ में फता की जमा फतिया इस्तेमाल किया गया यहां पे वाहिद लोगों ने आपस में कहा समय इना फतः यस्कुर हमने एक नौजवान को सुना है यस्कुर हूं जो इनकी बुराई बयान कर रहा था युकाल इब्राहिम जिसको इब्राहिम कहा जाता है यहां भी इब्राहिम सामने बुतों को तोड़ा कब तोड़ा जवानी की उम्र में जवानी की अहमियत ये मुसलम है क्यामत के दिन सईबारी सही मसलम की रिवायत के मुिकम में किताबुल्द में रिवायत है ये आपल वसम ने फरमाया फिल्ला दिल सात लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह अपने अरश के सए तले जगा देगा किस दिन उस दिन जिस दिन की अवलिनो आखरीन का मजमा होगा शुरू से आखिर तक सब इकट्ठा हो जाएंगे सूरज एक मील के फासले पर होगा लोग पसीनों से शराबोर होंगे और ये पसीने भी लोगों के अमाल के बकद्र होंगे नफसी नफसी का आलम होगा उस वक्त खसूसी तौर पर अल्लाह सात लोगों को साया देगा उन सात में से एक कौन होगा शाबुन नशाफी शाह इबादत एक वो जवान होगा जो अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ा इबादत का मतलब ये ना समझें कि सिर्फ नमाज पढ़ना पंचवक्ता यही इबादत है इबादत की तारीफ इब्ने रमोत लाई ने किया है हर वो कौल फेल अमल जिसको अल्लाह पसंद करता है वो क्या है इबादत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सात लोगों में से एक किसका तस्करा किया शाबुन नशाफी इबादत ऐसा जवान जो अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी अब अगर खुसूसी तौर पर जवान का तस्करा और उसकी इबादत का तस्करा किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कुछ तो है बुढ़ापे के बिल जवानी में आदमी के भटकने के चांसेस ज्यादा हैं गुमराही के रास्ते उसके लिए बहुत खुले हुए अब अगर उनसे वो बचकर अल्लाह की इबादत कर ले जा रहा है तो समझिए कि वो अपने आप को फिर किस में लाएगा शाबुन न शाफी इबादत एक दूसरी रिवायत है आप वसल्लम ने फरमायाबल हालात होते हैं पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत समझो एक तनिम खम सन कबलाम सन हया तबला ये जिंदगी जो मिली है आपको साठ सत्तर मिल रही कोई बेचारा तीस पैंतीस से में चला गया आपसे छोटा था और वो चला गया और अल्लाह ने आपको लंबी उम्र दिया हयात का कबल मौती मौत के आने से पहले ये जिंदगी जो मिली है इस जिंदगी को क्या समझो गनीमत समझो मिस यूज ना करो गलत इस्तेमाल इसका ना करो तो जिंदगी तो पूरी कह दिया पहले ही लेकिन फिर कहा आगे व शबाबा का और अपनी जवानी को कबला हरामिक बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो यानी पहले पूरी जिंदगी कह दिया कि अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो तो तीनों हिस्सा आ गया बचपन भी आ गया जवानी भी आ गई और बुढ़ापा भी आ गया फिर खसूसी तौर पर तस्करा किया वह का काबल हरमिक अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो और भी चीज़ें हैं लेकिन लंबी हो जाएगी बात इसलिए महल्लादलाल जो है वह का काबल हरमी यहाँ भी आपने फरमाया आप सल्ह वम ने कि अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ एक रिवायत में है लद्लम يوم मलकयाम किसी भी बंदे के दोनों कदम उस वक्त तक नहीं हट सकते एक रिवायत में हतीयुस अला अरबाइन और एक में हयुस अल हम्स यहां तक कि उसे चार से पांच सवालत ना कर लिए जाएंगे और सवाल का वो फिर जवाब दे दे यानी उससे पूछा जाएगा कि तुमने इसका इस्तेमाल कैसे किया सवाल के बाद फिर जवाब भी उसी के जिम्मे होगा उसमें से एक सवाल होगा वो अनशबा भी फीमा अबला आपसे आपकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि जवानी को तुमने वैसे अबला युबली का जो एकदम फसी और लफ्जी तरजमा होगा वो सीधा करना आपने अपनी जवानी कहाँ वो सीधा किया अपनी जवानी को आपने कहां गंवाया और आपने अपनी जवानी को कहां गुजारा ये दो आयतें और तीन हदीसें मैंने इशारतन जिक्र किया कि जिससे ये पता चलता है कि जवानी की अहमियत क्या है देखिए मोमिन सादा नहीं होता कोई कोई कहता है कि हमको बहुत सादा रहना चाहिए शरीयत इसकी तयद नहीं करती दुनिया में क्या चल रहा है दुनिया के हालात क्या हैं आपके खिलाफ क्या साजिशें कर रहे हैं साजिशों के क्या ताने और बाने बुने जा रहे हैं आप बिल्कुल नावाफ हैं और आप कहते हैं कि हमको बस अपने आप से मतलब है यह नहीं होना चाहिए इसीलिए नबी वसल्लम ने फरमायान वाहिदिन मरतिन मोमिन एक सुराख से दो मरतबा नहीं डसा जाता क्या मतलब है इसका एक मरतबा आपको अगर डस लिया गया किसी ने भी डसा जानवर ने बिच्छों ने किसी भी चीज़ ने डस लिया काट लिया तो आपकी जिम्मेदारी अब क्या बनती है आप चौकन्ना हो जाएं, होशियार हो जाएं। मोमिन बार बार एक ही सुराख से डसा जाए ये उसके अकलमंदी की ये उसकी दानिशमंदी की ये उसकी होशियारी की अलामत नहीं तो आप सल्हलम ने फरमाया कि मोमिन एक सुराख से दो मरतबा नहीं डसा जाता इशारा ये है मोमिन चौकन्ना रहता है होशियार रहता है एक मरतबा अगर किसी ने धोखा दिया या तकलीफ दिया तो उससे बचने की कोशिश करता इसी में एक चीज और है सिर्फ खैर को जाने शर को ना जाने यह भी मुनासिब नहीं अरबी का एक जुमला है अलशिया उतु और बेअदादिहा किसी शय को आप हकीकी मानों में कब समझ पाएंगे जब निगेटिव और पॉजिटिव माइनस और प्लस दोनों आपको मालूम आप ठीक तो है प्लस जानते माइनस नहीं जानते तब भी गड़बड़ है तू रफुल अशिया दिहा अशिया अपने जिद के दरिया जाते जाती वो शेष जानो वो चीज जानो और इसी के साथ उसके मुखालिफ चीजें भी जानो इसीलिए एक सहाबी हैं उदयफा बिनियमान और तू वो कहते हैं कान अनिल सुना अल्लाह के रसूल के जमाने में लोग तौर पर अल्लाह के रसूल से खैर के बारे में पूछते थे क्या भलाइया क्या नेकिया क्या करूं तो कितना सवाब मिलेगा खुदैफा बिन यमान कहते हैं वह कुंतल मत उद्रिक नहीं मैं खैर के बारे में नहीं पूछता था मैं शर के बारे में पूछता था उम्मत पर क्या फितने आएंगे आपके जमाने में या आपके बाद कितने मसाइल से उम्मत दो चार होगी कौन से फितने रोनमा होंगे तो दैफा बिन एहान कहते हैं रौदी अल्लाह तु कि लोग अल्लाह के रसूल से खैर के बारे में पूछते थे और मैं अल्लाह के रसूल से शर के बारे में पूछता था महााफतों दरी कनी इस खौफ से और इस डर से कि कहीं वो फितना मुझे पाना ले मैं उस फितने में मुट्ते ना हो जाऊं इसलिए मैं अल्लाह के रसूल से शर और बुरी जो चीज़ें हैं जिनसे हम आप दो चार हो सकते हैं उनके बारे में मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता था देखिए फितनों में अगर बात करेंगे ने बहुत तफसील से इस पर लिखा है बाकायदा किताबें हैं किताबल्फ़ित शरात यानी पहले फितनों का बयान उसके बाद अलामात क्यामत का बयान जो पुरानी जितनी अलामत क्यामत पे लिखी गई हैं अक्सर में आप जाएंगे तो यही मिलेगा किताबुल फितन वशरत फितनों का बयान और अलामत क्यामत का बयान इसका मतलब यह है कि खसूसी तौर पर आप सलील वसलम ने फितनों को बयान करने के सिलसिले में क्या किया तोह दिया और अहतमाम किया और बहुत सारे फितनों का आपने तस्करा किया सबसे बड़ा फितना क्या है उम्मत का अभी रोनुमा नहीं हुआ दज्जाल दज्जाल के बारे में आपने फरमाया कि यह सबसे बड़ा फितना होगा हजरत उस्मान के कत्ल को भी आपने क्या किया फितना करार दिया उस्मान का कत्ल क्या होगा एक फितना होगा हजरत उम्र के बारे में कहा उमर फितनों के लिए दरवाजा हो फिर पूछा गया अल्ला के रसुल अगर उम्र फितनों के लिए हैं तो उम्र के बाद वो दरवाजा क्या होगा दो ऑप्शन है दरवाजे में एक तो एक ही खोल दिया जाए अगर खोल दिया जाए तो आप बंद कर सकते हैं हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो लेकिन अगर खोला जाए तो बंद करने का चांस रहता है लेकिन तोड़ दिया जाए तब तो फिर इसका मतलब बंद नहीं होगा तो आपने फरमाया कि उमर फितनों के लिए दरवाजा है और उमर के जाने के बाद फितने ही फितने होंगे तो अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि हजरत उमर के जाने के बाद वो फितना जो दरवाजा है फितने का वो युफ्ता और युक्सर खोला जाएगा या तोड़ दिया जाएगा कहा बल युक्सर, बल्कि तोड़ दिया जाएगा और जब तोड़ दिया जाएगा तो फिर वो कयामत तक बंद नहीं होगा अगर खोला जाता तो बंद हो सकता था तोड़ दिया गया तो बंद नहीं होगा उसके बाद फितने ही फितने होंगे इसलिए एक हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सतकुन फितनुन कत इलैलिल मुज़लिमि युस्बिहु रजुलु फीहा मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा अब फितने कितने होंगे किस कदर होंगे और फितने कितने होंगे और कितने भयानक होंगे ये सब आप इस हदीस से अंदाजा लगा सकते हैं आप वसल्लम ने फरमाया अन करीब फितने ही फितने होंगे और वो किस तरह माने टुकड़ा जमा कहता मुजलिम सियाह रात के टुकड़ों की मानी फितने इतने होंगे हो रजुलफीहा मोमिन सुबह के वक्त मोमिन होगा वयम सी काफिरा और शाम आते आते काफिर हो जाएगा सुबह मोमिन था और शाम में काफिर हो गया वयम सी मोमिना शाम में मोमिन होगा वह युस्व हो काफिरन और सुबह में काफिर हो जाएगा इसका मतलब हालात इतने दिगर ग इतने खराब होंगे और फितनों की इतनी कसरत होगी कि सुबह का मोमिन शाम को काफिर हो गया और शाम का मोमिन सुबह को काफिर हो आपने फरमाया हालात इतने अबतर होंगे इस वक्त वैसे तो सबके इर्द गिर्द फितने लेकिन नौजवानों को अगर देखें तो नौजवान खसूसी तौर पर बहुत सारे फितनों का शिकार है पहले उन फितनों को समझें और समझने के बाद अगर कुछ कमी है तो उसको दूर करने की जरूरत दूर ना जाएं यही एक उठा लें क्या है मोबाइल इसी मोबाइल को ले लें तो मोबाइल समझिए सबकी ख़ुसूसन नौजवानों की बहुत बड़ी आजमाइश

डाल देता है आग में फिर तपाता है तपाने के बाद जो खरा खोटा सोना अलग करता है खोटे को अलग करता है और जो अच्छा बेहतरीन है उसको अलग करता है उसके लिए अरबी में बोलते हैं फतना अवाहबा सोने को उसने तपाया आग में तपा के खरा और खोटा अलग किया तो फितना का मतलब आजमाइश ये मोबाइल ही पे अगर गौर करें तो मोबाइल बहुत बड़ा फितना इसके दो तीन पहलू मैं आपके सामने रखूंगा आपको खुद ही समझ में आएगा कैसे फितना सबसे बड़ा फितना ये है खासतौर से नौजवानों के लिए ये हमारी नेकियां और हमारी इबादत को चाट रहा है अब आप सोचेंगे इसके अंदर कौन सी ऐसी खसूसियत है कि हमारी इबादत को ये मोबाइल चाट रही है। तो अब और करें आजकल अक्सर क्या क्या चल रहा दीनी प्रोग्रामों में शिरकत करो दीन की बातें सुनो मोबाइल में अच्छे अच्छे उलमा के बयानात रखो और साथ में कोई नई फिल्म आ जाए तो उसको भी लोड कर लो दो तीन घंटे अगर दीनी उम्र में मशगूल लो तो थोड़ा बहुत तो इंटरटेनमेंट भी चाहिए तफरी चाहिए इसलिए मोबाइल में दोनों रखते हैं एक घंटा अगर तकरीर सुनते हैं तो उसके बाद एक आध घंटा गाना भी सुन लेते हैं और सिर्फ गाने ही तक देखिए ये जब नहीं थी टू जी और थ्री जी तक था तो थोड़ा कंट्रोल था अब जब हम 4G अब आगे 5G की भी बात चल रही है जब इसमें दाखिल हुए ना तो बहुत सारी जो दिक्कतें थी चलने चलाने में वो खत्म हो गई अब तो पानी की तरह 4G और 5G आने के बाद ये बह रही है। तो इसके आने के बाद सबसे बड़ा मसला जानते क्या हुआ ये हमारे दीन और ईमान को बहुत मजबूती से जांच रहा मजलिस में दीन की बात करना आप मस्जिद में आए बहुत खुशो से नमाज पढ़े अच्छी बात है मजलिस में आवाम में पब्लिक में लोगों में दीनदार बनना और दीन पर कायम रहना ठीक है लेकिन असल इम्तिहान कब है आपका असल इम्तिहान उस वक्त है जब आप नजरों से ओझल हो गए आप अकेले हो या अकेले नहीं हो एक दो लोग आपके साथ हैं आपके बीवी बच्चे साथ हैं या आपके यार दोस्त साथ हैं तो उस वक्त आपकी दीनदारी का बहुत बड़ा इम्तिहान है ये इस वक्त जो तन्हाई का मौका है ना ये तन्हाई के मौके पर आपके दीनदारी का बहुत बड़ा इम्तिहान है एक रिवायत है हजरत सोबानल्ला की हसन रवायत है कहते हैं कि अल्लाह के रसुल ने फरमाया अलमन अकवामन मैं जानता हूं कुछ लोगों को ये अतु नो मलकिया तेहमा तिहा आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो फौरन आपको मिलेगा एक बड़ा पहाड़ है तो आपने फरमाया मैं जानता हूं मेरी उम्मत में से ऐसे लोगों को जो कयामत के दिन त्यामा पहाड़ की तरह नेकिया लेकर आएंगे और अल्लाह ताला उनकी उन नेकियों को हबा मंसूरा बना देगा कुरान में भी यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ कुफार के बारे में वदिम इलाम अमिलू मिन फज अल्लाह हबा अम मंसूरा सूरेफर में है काफिनों के बारे में कि उन्होंने हालत कुफर में उन्होंने जो भी नेकियां की थी हमने उसको हबा मंसूरा बना दिया हबा मंसूरा क्या है सुबह के वक्त जब सूरज निकलता तो आप गौर करें जैसा कि बयान और अक्सर ने ये तफसीर जिक्र किया कि सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है तो सूरज की किरणें खिड़की वगैरह से अंदर आती हैं तो किरणें जब आती हैं तो कुछ जर्रात दिखाई देते हैं देखने में लगता है ये जर्रात हैं आप उनको हाथ से पकड़ेंगे आपके हाथ में कुछ आने वाले नहीं तो अल्लाह ताला ने कुफार की नेकियों को उनसी से तशबी दिया यानी उसकी कोई हैसियत या अवत नहीं उनके जो भी माल हैं वो बेवकात कर दिए जाएंगे तो आपने फरमाया मैं जानता हूँ मेरी उम्मत में से कुछ लोग होंगे जो कयामत के दिन आएंगे और उनकी नेकिया तेहमा पहाड़ के बराबर होंगी लेकिन उन ज़र्रात से ज्यादा उन नेकियों की हैसियत नहीं होगी वादे है कि अगर इतनी बड़ी बात कही जा रही है तो यह तो फिर बात आएगी ही कि कौन लोग हैं हजरत सोबान कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल सिर्फ हम लाना वे सिर्फ हम लाना अल्लाह के रसूल आप हमारे लिए उनकी सिफत बयान कीजिए जल्द हिमलाना जल्ल जल्ली तजलिया खोल के बयान करना जाहिर करना कहा आप उनको जाहिर कीजिए उनके बारे में तफसील से बताइए कि वो कौन लोग होंगे तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे और अल्लाह के यहां हबा अम मंसूरा होंगे वो तो आपने फरमाया सबान वो तुम्हारे ही भाई होंगे तुम ही जैसे होंगे सब कुछ होंगे उनकी नेकियां भी होंगी लेकिन जानते कौन होंगे हाउलाई इदा खलो इंतहकू महारिमल्ला ये वो लोग होंगे जब खलवत में होंगे जलवत में थे लोगों में थे आवाम में थे ठीक ठाक थे चेहरे मोहरे से भी अच्छे दिखते थे नमाजी दिखते थे लेकिन यही वो लोग हैं जब खलवत में होते थे तनहाई में होते थे इंतह महारिम अल्लाह तो अल्लाह की हरमतों की जबरदस्त पामाली करते थे जितनी चीजों को अल्लाह ने हराम करार दिया सबको ये करते थे और जो भी उसकी हुरमत हैं सबको ते थे वही तो मोबाइल का पब्लिक में है दर्द सुनने तकरीर सुनने रात में इल्ला माशाल्लाह ये रात के ग्यारह से लेके दो दो ढाई ढाई बजे तक अपनी नौजवान नस्ल करती क्या इस पर कभी और किश दिन में बहुत ठीक ठाक रहे आपने इबादत किया पंचवक्ता नमाज पढ़े से फजर तो अक्सर जाती है चार ही बजता आपने पढ़ा अच्छाइयां की नेकमाल किए और रात में दस से लेके डेढ़ दो बजे तक सब पे पानी फेर दिया आप तहकीक में जाए तो पता चलेगा कि इस वक्त हिंदुस्तान में अश्लील वीडियोस ब्लू फिल्मों की बहुत बड़ी मार्केट आपके हिंदुस्तान में बनाई भी जाती है और मजबूत कीमत पे बेची भी जाती है और नश्र भी की जाती है इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी हैं उनके हसबैंड को अरेस्ट किए थे वो याद होगा वही इल्जाम था बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में इसका कारोबार हो रहा बल्कि बाद लोगों ने मुझसे बताया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है मेहनत कश तबका जो है मेहनत कश तबका जो आठ घंटा दस घंटा बारह घंटा काम करता बड़े पैमाने पर ये लोग इस तरह के वीडियोस देखकर अपने आप को दिली तौर पर सुकून पहुंचाते आपने कामल किया दिन में और रात ही में सब कुछ बराबर कर दे फिर वीडियोस को हटा दें गानों को हटा दें इसके अलावा पहले तो ये नामुमकिन था कि माँ बाप के मौजूद रहते हुए औलाद लड़का हो या लड़की जिनसे बात करना उनके लिए जायज नहीं है उनसे बात करें आजकल तो बगल में बैठ के हो रहा है अम्मी अबू बैठे हैं और चैट कर रहे हैं तो ये तो बहुत भयानक है और अपनी जो नौजवान नस्ल है बच्चे हों या बच्चियां आप देखें मोबाइल के जरिया कितना बर्बाद हो रहे हैं अब तो ये मायूस समझा जाता है बहुत सारे लोगों को ताना भी दिया जाता तुम फला कॉलेज में पढ़ते हो जवान हो बच्चों से पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं लड़कियों से पूछा जाता है तुम्हार कैसे हो तुम कोई कोई तो डायलॉग भी मारता है इतने कि जैसे कपड़े बदलते हैं अब अगर ये कंडीशन हो जाए तो इस पर गौर करना चाहिए मतलब हमारे यहां सब कुछ है नमाज के टाइम नमाज भी पढ़ते हैं और जो कुछ करना है उल्टी पलटी हरकतें ये सब करते हैं ये एक पहलू हुआ सिर्फ मोबाइल का ले लें लॉकडाउन में देखा होगा अब भी वही चल रहा है देखिए इबादात में गुरूर नहीं होना चाहिए दूसरा फितना जो है ना इस वक्त रिया का फितना शोहरत का फितना नमूद का फितना दिखावे का फितना ये अभी आप देखें एक आदमी किसी को एक बॉटल पानी दे दे रहा किसी गरीब को किसी मजदूर को पानी देने से पहले उससे बॉटल पकड़वाएगा खुद भी पकड़ेगा और फौरन सेल्फी लेगा एक फोटो खींच लेगा स्टेटस पे लगा देगा एक बॉटल पानी दिया और उसको ले जाके स्टेटस पे लगा दे रहा उससे पूछा जाए भाई तुमने क्यों लगाया पांच हजार चार हजार चार छह दस किट राशन दे रहा है पांच हजार का अगर राशन दे रहा है वो स्टेटस पे पचास फोटो डाल दे रहा क्या मकसद है जिसको दिया है उसकी भी तस्वीर डाल रहा बाद में पूछते हैं लोग अच्छा तुम ही हो तुम्हारे पास खाने का नहीं था बहुत परेशान थे कैसे पता चला फला ने आपको राशन दिया आपको कैसे पता चला मैंने फला के स्टेटस पे देखा स्टेटस इस पर भी कभी गौर कीजिए आपको नहीं देना है मत दीजिए लेकिन आपको प्रचार करने की जरूरत क्या नहीं देना मत दो छोटी से छोटी चीज भी अगर आप कर रहे हो एक छोटी सी की भी कर रहे हो तो आप पहले नंबर पे उसका प्रचार कर रहे हो जब तक आप स्टेटस नहीं लगा रहे हो तब तक आपके दिल को ही नहीं मिल रहा आपको तो खुशी हुई स्टेटस लगा दिया और मेरा नाम होगा जिसके पास भी नंबर सेव है वो स्टेटस देखेगा उसको सरे बादार रसुआ कर रहे हो सरे बादार रस्वा कर रहे हो यह आपके लिए जायद हैदी नामो सदातिक मोमिनो अपने सदके को अपने खैरात को एहसान जतला कर और तकलीफ देकर जाए करो स्टेटस का मतलब क्या है आप ही स्टेटस लगाओगे किसी को दिया है उसको पता चलेगा उसने दिया था स्टेटस लगा दिया उसको खुशी होगी कि मेरा प्रचार कर रहा उसको दिली तौर पर तकलीफ होगी वो भी ये सोचेगा नहीं देना तो ना देता लेकिन ये सब हरकतें क्यों कर दू मैंने जो गौर किया वो लोग जो इस टाइप के होते हैं वो जहनी मरीज होते हैं उनके यहां सिर्फ एक चीज है अपनी बड़ाई और अपनी तारीफ वो हर जगह वही करेंगे ऐसे लोगों से मुनासिब डिस्टेंस और मुनासिब फासला बना के रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी स्टेटस में ये तो ठीक था अभी और चल गया एक लाख सवा लाख डेढ़ लाख रुपया खर्च करके उम्र करने जा रहे हैं प्राइवेट में आठ आठ दस दस लाख रुपया हज में खर्चा कर रहे हैं कमेटी ऑफ इंडिया में सात आठ लाख खर्चा कर रहे हैं यानी मिनिमम उम्र में एक से डेढ़ लाख हज में दस लाख खर्चा करके जा रहे हैं इसकी कोई फिक्र नहीं कबूल हो या ना हो यहां से निकले लगा दिए फिर उसके बाद एयरपोर्ट पे पहुंचे लगा दिए उतरे लगा दिए अब जब हज के अरकान की अदायगी करनी है तो उसमें तो ज्यादा नहीं मेहनत कर रहे हैं। कंकरी मार रहे हैं वहां भी कोई सेल्फी ले रहा है क्या कहना है चाहते हैं आप क्या मकसद है आपका ये तो कह दीजिए अपनी ही जबान से आपने इबादत किया फिर उसके बाद अपने इबादत की परछा खुद ही अपने जरिए से एक है वह लदी न यू तू नूब हूँ वह शिला इस को जब पढ़ा तो ना समझ सके हतायशर दिल्लाना भी ना समझ सके तो अजायशा ने पूछा लगा कि रसुलत का मतलब क्या कि लोग देते हैं खर्च करते हैं इसके बावजूद डरे रहते हैं आपने फरमायायशा यमन तद्दीक का सिद्दीक की बेटी जायत वो आयत किन लोगों के बारे में ये उन लोगों के बारे में है जो नमाज़ पढ़ते हैं रोदा रखते हैं हज करते हैं ज़क़त देते हैं लेकिन ज़क़़त देने के बाद ये सब करने के बाद उनके यहाँ गुरूर नहीं आता वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो अल्लाह मेरी इन इबादात को क्या करे रद कर ले रद कर दे कबूल ना करे उससे वो हैं अपने तो प्रचार ही है इसलिए आप देखें नंबर खाली सेफ है उस शख्स को समझना होना बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि ये बंदा किस टाइप का है इसलिए कि उसका स्टेटस आपको सब कुछ बता देगा ए टू जेड उसके बारे में बता देगा इतना ही रहता तब भी ठीक था एक फितना जानते हैं क्या इस वक्त तस्वीर का फितना शुरू से शुरू से आखिर तक अकीदे की जो किताबें पढ़ाई जाती हैं तलबा को हम लोगों को यही पढ़ाई गई अकीदे में तस्वीर के बाम में कि जो जरूरत की तस्वीर हैं वही खींची जाए वही रखी जाए बिला जरूरत तस्वीर न खींची जाए ना रखी जाए तस्वीर का तो इस वक्त क्या हाल है वो जानते हैं तस्वीर के सिलसिले में आप जाके देखेंगे जो रिवायतें हैं कितनी सख्त हैं बनाने के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में वो हदीसें तो बिल्कुल छोड़ ही दी गई उस पर अमल ही नहीं लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है स्टेटस जानते हो कैसा लग रहा किसी ने गाना लगा दिया कोई अश्लील वीडियो लगा दिया उसके बाद उसको फोन करके कहा जाता भाई देखो आपका स्टेटस क्या चेक कर लो बाद में कहता लड़के ने लगा दिया क्या जबरदस्त होशियारी है लड़का कहां पा गया मोबाइल में रहा होगा ना सर्च किए होगे, तभी कि लड़का फौरन गया वहीं पहुंच गया कुछ भी गलत करते हैं तो कहते हैं लड़कों ने लगा दिया ऐसे नहीं लगता लड़के भी दबाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके यहां वो चीज थी तस्वीर के फितने में सबसे भारी जो है जिस पर गौर करना चाहे आपकी अपनी मोबाइल है जान पहचान के लिए डीपी आपने लगाया बच्चों का लगा दिया ये तो थोड़ा समझ में आता अपनी औरतों की लगा रहे हैं। घर की मोबाइल है ठीक है घरेलू इस्तेमाल में लेकिन घरेलू इस्तेमाल का मतलब यह है कि आप अपनी बीवी और बच्चे आपकी बेटियां अपनी फोटो की वहां डीपी लगाएं यह कहां तक अब तो हाल यह है कि अगर किसी का नंबर सेव कर लो तो इल्ला माशाल्लाह वरना उसका पूरा घर आपको पता चल जाएगा अब तो यह भी चल रहा अच्छे खासे दीनदार हैं कहीं घूमने गए पूरी फैमिली की वीडियो और तस्वीर खींच खींच के भेज रहे हैं, जो नहीं जानता वो भी जान जाए कि बीवी कैसी है बेटियां कैसी इसके अलावा लोग स्टेटस में अपनी बीवियों की तस्वीर लगा रहे हैं अपनी बेटियों की तस्वीर लगा रहे हैं आप देख लें और वो भी जो स्टेटस लगा रहे हैं कोई महद्दब लगा रहा है कोई गैर महत्दब चेहरा खुला है बाल खुले मतलब यह है कि अब शौक है लगाने का इसलिए लगा दिया तो इस फितने पर भी गौर कीजिए जो स्टेटस का फितना इस पर कभी गौर कीजिए तस्वीर का ये फितना इस पर गौर कीजिए हम अपनी बहनों को अपनी बेटियों को अपनी बीवियों को सरेआम ला के नीलाम कर रहे हैं नबी सलम ने फरमाया वो तो शख्स दयूस है जो अपने घर में बुराई को देखता है लेकिन उसके पास इतनी ताकत और इतनी सखत नहीं कि रोक दे यहाँ रोकेगा क्या ये तो खुद ही लगा रहा है अगर आप नहीं लगा रहे और आपने अपने घर में इस्तेमाल के लिए रखा है तो खसूसी तौर पर इस पर तवज्जो देना चाहिए कि क्या मेरी बेटियां मेरी बीवी डीपी वगैरह पे अपनी तस्वीर स्टेटस वगैरह पे अपनी तस्वीर तो नहीं लगा रहे इसके अलावा इस वक्त आप देख रहे हैं उधर से एक आ रहे हैं एक इधर से जा रहे हैं कहीं और से आ जा रहे हैं ये इश्को मोहब्बत का जो फितना है ना ये बहुत ख़तरनाक है इसीलिए नबी अक्रम सरमाया मा तरक् बद फित मिन किताब निकाह में अक्सर हदीस की किताबों में रवैत मौजूद है कि मैंने अपने बाद कोई भी फितना ऐसा नहीं छोड़ा जो मर्दों के हक में औरतों से ज्यादा नुकसान दे इस वक्त फितन तस्सा औरतों का जो फितना है ना ये बहुत बड़ा फितना ये जो नई नस्ल है नई नस्ल इसका पूरा इस वक्त सरमाया यही है नई नस्ल का सरमाया क्या है? बच्चे हुए या बच्चियां इस पर गौर करना चाहिए अंदर से एकदम कराह रहा है माशरा हर कोई बस लड़का लड़की से लड़की लड़के से चैट ही का सिस्टम पूरा चल रहा है यानी इफ्फत और पाक दामनी जो थी वो धीरे धीरे पूरी खत्म होती जा रही की जो अलामत में से अलामतें जिक्र की गई उसमें से एक अलामत जान देगा जेनाकारी और बदकारी ये आम हो जाएगी तो जेनाकारी और बदकारी सिर्फ इसका मतलब बदकारी का मतलब बदकारी करना ही नहीं आपने फरमाया जिस्म के जो आजा हैं अलाइना ने ये जो आंखें हैं ना ये आंखें जेना करती हैं आंखों का देना क्या आंखों का देना देखना इस वक्त नौजवान तो छोड़िए बूढ़े हूं नौजवान हूं कोई भी हो इस वक्त सबसे अहम जो तकवा है परहेजगारी है वो नजर को बचा लेना और नजर को नीचे रखना ये बहुत बड़ा तकवा इस पर बहुत ज्यादा तफसील से बात नहीं की जा सकती इबन कईम रहम्ला की एक किताब है दोनों उसका नाम है दवा और दूसरा नाम उसी किताब का अजवाबुलकाफी दवाफी उर्दू में भी उसका तर्जमा हो चुका है लास्ट में लगभग सौ डेढ़ सौ पेज इबन कईम अलदिया रमतुल ने इसी पर बहस किया कि इश्को मुआशका ये कितना बड़ा फितना और इब्ता इसी से किया कि शुरुआत कहां से होती है नज़र से पहले आदमी देखता है देखने के बाद फिर वो चीज उसके दिल में खटकती है खटकने के बाद फिर उसके बारे में सोचता है गुफ्तगु करता है और फिर उसके बाद लास्ट में उसको अमली जामा पहनाता है हदीस में भी आपने फरमाया आँखें जेना करती हैं आंखों का देना देखना आंखों का देना देखना है ये हाथ भी जना करते हैं हाथों का देना क्या है अलब्श पकड़ना पैर जेना करते हैं पैरों का देना चल के जाना और इसी तरह ये जो नफ्स है नफ्स ख्वाहिश करती है और लास्ट में वलफर्जो सब देखो कर देवो आदमी की जो शर्मगाह है वो उसकी तस्दीक करता है यह तकदीक करता इस वक्त नौजवान बच्चों और बच्चियों का सबसे बड़ा फितना यही इश्को माशका का फित और इससे बचाना अलिया की अधीम जिम्मेदारी इसलिए कि अगर इससे नहीं बचा पाए ये अपने जो नौजवान नस्ल है आप देखें क्राइम के एक से एक चैनल आ रहे हैं उसमें ज्यादातर मामलात इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं किसी ने खुदकुशी किया अपने आप भी ऐसा नहीं कि खुदकुशी नहीं रहा खुदकुशी किया क्यों किया लास्ट में जब ताकि कोई तो पता चला कि फला लड़के से प्यार मोहब्बत थी या फला लड़की से प्यार मोहब्बत थी घर वाले हायल हुए बीच में तो खुदकुशी कर लिया तो इसको मोहब्बत का जो फितना है यह भी बहुत बड़ा फितना है इस वक्त नौजवान अगर अपने आप को इससे बचा ले जाए ये जो नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं वो इसी वजह से बल्कि बहुत सारी बातें हैं कुछ बातें कहने के लायक भी नहीं इस वक्त अलग अलग स्टाइल में आप किसी अच्छे उहदे पे हैं तो हो सकता है कि आपको बदनाम करने के लिए या आपको हटाने के लिए किसी औरत का इस्तेमाल किया जाए ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ कि बड़े उहदे पे गए फिर उसके बाद ये हुआ कि यहाँ से इसको हटाना ये हुआ कि इसको नंबर दो बातचीत करें सामने वाले ने जिधर बात किया लड़की ने सब कुछ सेव करके रखा लास्ट में ये हुआ कि फ़ला से मैं शादी करना चाहती हूँ ये इनकार कर रहे हैं पूरा जितना प्रूफ ए के रख दिया इतना, इसलिए कि पहले इससे इसे फलान था कि फ़लाँ को फंसाना फिर उसके बाद पूरा इधर इनके ऊपर केस हुआ अब इधर केस हुआ तो जहां काम कर रहे थे चाहे कंपनी हो भाई जब तक आपका केस मामला हल नहीं होता तब तक के लिए हम आपको हटा रहे हैं फिर आप गए तो अब वो गए तो इसका मतलब गए आपको तो पैसा आने लगा जब पैसा आने लगा तो आपने क्या समझा कि पूरी दुनिया मेरे कदमों के नीचे आ गई और मुझे जन्नत मिल गई लेकिन आपके पीछे जो जाल बुना गया वो तो आपको समझ में नहीं आया ये जो नई नस्ल है ना वो इसको समझ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको बाकायदा टारगेट किया जाता इसको नंबर लो इसका नंबर लो फोन करो और बुलाओ फिर उसके बाद इल्जाम लगा दिया कि फलां के साथ ये कर रहा था वो कर रहा था माहौल जो है वो तो आप समझ ही रहे हैं। इस लाइन में अगर आप कदम रख रहे हैं तो बहुत सोच समझ के रखें ये ऐसी वादी नहीं या ऐसा दरिया नहीं है जिसमें जाने के बाद निकलना यह आपके हाथ में नहीं होगा यह नोट कर लें। ये जो बहुत सारे हादसा हो रहे ना आप जाएंगे गहराई में तो पता चलेगा इसको मुआशका ही का फितर इत वगैरह की जो बातें चल रही पूरे का खुलासा निकाल के रख लो तो यही आएगा क्या इश्को मुआशा का फितर और अगर इस पे आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपकी औलाद भी आपके कंट्रोल से चाहे बच्चे हों या बच्चियां निकल जाएंगे इस पर गौर कीजिए अगर फुर्सत मिले तो पढ़ लीजिए इब्ने ने सफा से ऊपर लिखा इसको मोहब्बत पर उनसे बेहतर किसी ने नहीं लिखा बाद में दूसरा नाम आता है इब्न जोजी रमत का जिनकी हवा नाम की उर्दू में इश्क मजाजी की तबाहकारियां के नाम से लिखा और बड़ा अच्छा उसमें भी लिखा तो एक बड़ा फितना यह भी है कि अपनी जो औलाद है नई नस्ल इसको हम सही से समझ ही नहीं पा रहे हैं। और अगर उनके यहां कहीं इन्हराफ है तो हम शुरू में तो बहुत छूट देते हैं देखिए बहुत सारी चीजों में बाप को पता नहीं चलता ये जो हादसा हो रहे हैं ना और बहुत सारे लोग कहते हैं अचानक हो गए अचानक नहीं होते माओ को पता रहता लेकिन वो बातों को छुपाती हैं और दबाती हैं और मामला जब बहुत ऊंचा चला जाता है तब फिर उसके बाद दोनों आदमी कहते हैं हमको पता नहीं था ऐसा नहीं है मालूम होता है लेकिन शुरुआत में नरमी होती है और जब मामला बिगड़ जाता है तब फिर सख्ती है देखिए जब मामला हाथ से निकल जाएगा ना तो सख्ती करके आपके हाथ कुछ आने वाला नहीं इसी तरीके से आखिरी बात जो फितनों में से है ये इल्म से मुतालिक अपने यहां आजकल चूंकि नेट ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, इसलिए थोड़ा बहुत जो पढ़ लेता है सबको लिखने का पढ़ने का और कमेंट करने का जोश चढ़ता ठीक है आपने जाना लेकिन यह है कि जो जाना उसी लिमिट में रहिए जो जाना उसी लिमिट में रहिए हर जगह आप पहुंच जाए और अपने आप को हर फन का माहिर समझें ये भी मुनासिब नहीं अभी मुहर्रम का महीना गुजरा साहबा के बारे में जो कमेंट्स हैं आप देखें जिसने भी चार किताब पढ़ लिया दस बीस सफा पढ़ लिया उसको भी लगता है कि हां मैं भी जान गया हूं और मुझे कमेंट करना चाहिए अब उसके बाद उसके दिल में जो आ रहा है वो बकते हुए जा रहा है يسال يا اسمه كي يبيت فتنة إن الله لا يقبض الإلم انتذاء ينتظره من قلوب العباد ولكن يقبض الإلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى آلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفطوا بغير علم وظلوا وظلوا नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि उसको बंदों के दिलों से खींच ले या निकाल ले इस तरह नहीं उठाएगा कैसे उठाएगा वालबिदुलमा इल्म को इस तरह उठाएगा कि जितने बड़े बड़े किबार हैं माहरीन हैं वो सबको उठा लेगा हतम जब कोई शरीयत का माहिर आलिम बाकी नहीं रहेगा तो इतना सुरुसन जुहा जो जोहला है आप फतवा देने के एकदम मूड में है लेकिन आपने उर्दू और इंग्लिश से पढ़ा यानी जो जबान है शरीयत की अरबी आपको आती नहीं आप एक आयत भी नहीं पढ़ सकते एक हदीस एराब के साथ सही से नहीं पढ़ सकते उर्दू से आपने पढ़ा और इंग्लिश से लेकिन आपका जोश इतना ज्यादा है कि अब आप फतवे से कम पे आदि नहीं हो रहे आपको लगता है कि जब तक मैं फतवा नहीं दे दूंगा तब तक मुझे सुकून ही नहीं मिलने वाला तो जितना पढ़ा है उतने ही में रहिए फतवा भी इतना आसान नहीं है कि चार किताब पढ़ लें और फिर उसके बाद फतवे की लाइन में पहुंच जाएं उसके बाद हर जगह सोशल मीडिया पे पहुंच के हर मसले का जवाब दें और हर जगह आप यूट्यूब चैनल वगैरह पे आप अपना बना लें फिर उसके बाद लगें फतवा देने आप सलम ने फरमाया तई तला में आलिम कोई शरीयत का जब माहिर बाकी नहीं बचेगा उत्तर सरसन जोहा तो जोहला को लोग अपना सरदार बनाएंगे फसो इलो इन्हीं से पूछे जाए इन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे पूछे जाएंगे तरह क्या रहे बाकायदा एक तरफ से पूरा स्क्रिप्टेड बातचीत पहले से ऐसे पूछना है ये पूछना है और कुछ ऐसा पूछो ताकि थोड़ा एंटरटेनमेंट टाइप का रहे और मजा आए और फिर उसके बाद लोग सुने अब इनसे पूछा जाएगा फाफ तो फाफतो इल्म बगैर इल्म के फतवा देंगे फदल्लू वादल्लू खुद भी गुमराह होंगे और इनके जो आसपास इनके मिलेंगे इनसे जुड़ेंगे इनसे इल्म हासिल करेंगे ये इनको भी गुमराह कर देंगे ये मुतामिन का जो फितना है ना इसको भी समझ हर कोई फतवा देने लगे हर कोई आपको सरी मसाइल बताने लगे अच्छा हर लाइन में चीज़ नहीं है आपसे कहा जाए फलान मी इंजीनियर जाओ उसे थोड़ा दवाई ले आओ तो फिर कहेंगे कि उसके बारे में सोचूं कि जिसने मुझको कहा है कि जहाँ इंजीनियर से दवाई ला वो थोड़ा पागल है पागल है लेकिन यही एक लाइन है कि जिसमें हर चलेगा बल्कि अब तो लोग कह रहे हैं कि अगर इंजीनियर वगैरह है तो वो ज़्यादा चलेगा इसलिए कि वो जानता तो घर से कम है लेकिन थोड़ा मिक्स करके बोलता है अरबी भी बोलता है इंग्लिश भी बोलता है कुल मिला के जब बोलता है ना तो और अच्छा लगता है तो जब अच्छा लगता है तो सुनने में और मज़ा आता सुनने में मजा आने का मतलब ये नहीं है कि वो जो बोल रहा है सब सही बोल रहा है इसको भी जांचिए बहरहाल में जो कह के बात को खत्म कर रहा हूं और जिस पर इस वक्त आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खूब चर्चा है वो है कॉलेज वगैरह के बाद और या यूनिवर्सिटी वगैरह की बाज हरकतें एक तो चल ही रहा है देख रहे हैं देखिए इस वक्त जो नफरत के बीज बोने का जो फिता है ना ये ऐसा नहीं है कि हर कोई दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है लेकिन सही बात यह कि नफरत की खेती हर कोई कर रहा है हाँ किसी का हिस्सा ज्यादा कह सकते हैं और किसी का हिस्सा कब कह सकते हैं हम लोग भी बो रहे हैं अभी कह दिया जाए कि हम लोग बो रहे हैं तो हम लोग तो बहुत जल्दी पल्ला झाड़ेंगे और इनकार करेंगे नहीं ऐसा कहां होता मैं तो कभी ऐसा नहीं करूं लेकिन गहराई में जाएंगे ना तो पता चलेगा कि नफरत की बहुत बड़ी खेती हम लोग भी कर रहे हैं और नफरत का बहुत बड़ा कारोबार हमारे ही हाथों में उसमें तो देख लिया अब कहा जा रहा है कि मैं तो विकलांग हूं चल नहीं पाती इसलिए मैंने कहा मार दो बहरहाल बातें तो बनाई जाएंगी हकीकत क्या है अभी बहुत कुछ ऊपर जाएगा तो समझ में आएगा कि क्या हुआ था इसके अलावा यूनिवर्सिटियों में और ख़ासतौर से नए बच्चों के साथ एक हरकत हो रही स्टूडेंट नौजवान लड़के और लड़के आमतौर पर करते हैं रेगिंग का सिस्टम है रेगिंग का मतलब क्या है जो नए आते हैं अब वो दलीलें देते हैं कि हम उनको अपने माहौल में ढाल रहे हैं और अपने से करीब कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का माहौल समझा रहे हैं कॉलेज का माहौल समझा रहे हैं कुछ कहते हैं कि हम उनका खौफ जो है वो दूर कर रहे हैं और भी कुछ लोग कहते हैं कि अब इस तरह वो करीब आएंगे तो हेल्प करेंगे लेकिन बहरहाल ये जो हरकतें हैं ये शरा तौर पर तो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं आपकी हरकतों की वजह से कोई तालीम छोड़ दे रेगिंग का अभी आप देखेंगे खाली डाल दें उर्दू में हिंदी में इंग्लिश में किसी भी जबान में डाल दे रेगिंग उसके बाद देखिए फला यूनिवर्सिटी में फ़ला छात्रा ने ख़ुदकुशी किया क्यों इसलिए कि बहुत ज़्यादा रेगिंग की गई बहुत ज़्यादा तलबा ने परेशान किया सामान वगैरह फेंक दिया मारा पीटा फिर उसके बाद सताया और मुख्तलि तरह के हती के कत्लों के ताल की भी बात आ रही शरीयत इसकी तायद नहीं करती इसलिए नई जो नस्ल है ख़ासतौर से बच्चे बच्चियां, अगर वो पढ़ रहे हैं तो इस तरह की हरकतें करने से बात आना चाहिए अपनी शरीयत इसकी किसी भी तौर पर इजाजत नहीं देती कि अब ठीक है आप सीनियर हैं तो शरीय कहती भी है यरहम सगीर समन्ना वलम सगी वम कबीराना तो आपने एक पहलू तो ले लिया कि मैं सीनियर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी इज्जत होनी चाहिए अब आप अपनी सीरेंट्री के चक्कर में दूसरे पर जुल्म करें शरीत इसकी इजाजत नहीं देती और इंडियन ला भी आप देखेंगे तो इस मामले में सख्त है रेगिंग की इजाजत इंडियन ला भी आपको नहीं देता वैसे भी आप बड़े हैं सीनियर हैं तो बड़े होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी कमज़ोर को या छोटे को सताएंगे। अगर वहीं पर यह भी है कि बड़ों की इज़्ज़त तो उससे पहले भी तो है रहम सगीरा ना छोटों पर रहम होना चाहिए अब छोटों के साथ आप बदतमीजी करें और मारपीट करें हती कि जिस्मानी तौर पर आप उनको जदोकोप करें या तकलीफ पहुँचाएँ शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन मेरा जो वक्त है वह तवील हुआ इसी पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस दौर के जो फितने हैं यही नहीं बहुत सारे फितने पहली बात ये कि उन फितनों को हमें पढ़ने सुनने समझने और उनकी रोशनी में अगर हमारे अंदर कोई कमी है कोताही है तो उसको दूर करने की तोफ़ी नायत फरमाए आलमीन जब तक दुनिया के अंदर रखे दीन पर रखे इस्लाम पर रखे आमीन वखरुदावाना ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्ला